तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की के आने वाले कल 2 तारीख को क्या हो सकता है, आज क्या रहा और इसके बाद आपका राशिफल। ठीक है, तो देखो आज का मार्केट जैसा बताया था कि डाउन आज का मार्केट था, दोनों साइड रहेगा लेकिन डाउन साइड ज़्यादा। मार्केट दोनों साइड अप डाउन करता रहा लेकिन नीचे ही रहा पूरे दिन मार्केट। फिर मैंने आपको लेवल भी डाले थे फ्री वाले चैनल पर कि 1870 ये सपोर्ट बनता है। एग्जैक्ट मार्केट लास्ट में वहीं तक आया है। निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वो टारगेट पेंडिंग रह गया, आज नहीं आया तो कल आएगा। अब देख लेना फ्री वाले चैनल पर वो लेवल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये 2 वीक होने वाला है, कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। और पिछले करीब आप देखो तो मैं जब इसे बोल रहा हूँ मार्केट दीपावली से पहले हमें अच्छा नहीं लग रहा है, डाउन टाइप। बाकी तो आपको रोज का जैसा रहता है मार्केट बताते हैं, तकरीबन ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, तो अभी कल क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट आपका वीक है, डाटा आपके कमजोर हैं। ठीक है, अगर कोई बाउंस आ जाता है फेड के कल रात को, आज रात को जो इनका आएगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम कर रहे हैं ज़्यादा जो भी है, उसकी वजह से कहीं विदेशी मार्केट में कोई बाउंस आता है, मान लो आ जाता है और उसकी वजह से हम ऊपर खुल जाते हैं, तो मार्केट सेलिंग का ही है, बाइंग की मन सोचना भी। आपने क्या करना है, सेल करना है। कल भी मैं बता के गया, पिछले 3 दिन से हर रोज़ हम यही बात कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि नीचे के लेवल से आप बाई करना, नीचे से कर लेना, ना। मैं हमेशा बोला ये रेजिस्टेंस है, कल भी बता के गया था बैंक निफ्टी में, ये है यहाँ आता है आपने सेल ही करना है। ठीक है, कल भी हमारा वही व्यू है, वो देखेंगे। एक बार अगर कोई उसमें चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। आज का मार्केट करने लायक नहीं था, एक ही ट्रेड दी थी आज प्रीमियम ग्रुप में, और वो अगर करना है जब 320 के ऊपर आती है, 4300 की पुट थी, दोबारा बाय करते रहो, 4 बार आई, 4 बार ऊपर गई, 400 के करीब करीब 405 वो ही उसकी रेंज थी। एक बार जरूर 250 आई, बाकी चार उसने 300 को तोड़ा नहीं, ऊपर 415 का हाई लगाया। उसके बीच में जब नीचे आया पुट खरीदो, ऊपर जाए सेल करो, कॉल वाला मार्केट था नहीं आज। ठीक है, और कोई मूवमेंट भी नहीं था उतना बड़ा मार्केट में, वहीं छोटा मोटा घूमता रहा है। ठीक है, तो अभी कल का मेरा जो व्यू है, मैंने उसमें जो बताया था मिक्स टाइम मार्केट रहेगा। ठीक है, जो मेंबर ओनली वीडियो में वही मैं आपको बता रहा हूँ, मिक्स है मार्केट। और कोई पॉजिटिविटी आती है मार्केट में तो वहाँ हमें सेल करना है। अभी जो मंथली क्लोजिंग हुई है आज निफ्टी, आज 1 तारीख हो गई, तो जो कल भी क्लोजिंग हुई है मंथली, अगर आप चार्ट देखो तो वो क्लोजिंग अच्छी नहीं है मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी वो कौन सा लेवल है निफ्टी में कि जो और वीक हो जाएगा, वह 15 पॉइंट दूर है। अगर आपका मार्केट 19060 के नीचे कल क्लोज होता है, कोई दूर नहीं है, 20-30 पॉइंट है, फिर मार्केट नीचे का हो जाएगा, और थोड़ा सा एक दो दिन और नीचे ही चलेगा, ऊपर का मन सोचना मार्केट को। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो मार्केट का लेवल है नीचे वाला वो कौन सा है, 18,960। अगर इसके नीचे चलता है मार्केट फिर काफ़ी कमज़ोर होने लग जाएगा निफ्टी आपका। बैंक निफ्टी को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, बात समझ रहे, भरपूर, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा, जैसे भी हो जो भी हो ग्रह संयोग हो, वो रुक ही नहीं पा रहा ऊपर के लेवलों पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट वीक ही है, जो भी बाउंस आता है या मान लो 50-40 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाता है फिर वहां से सेलिंग, ऊपर क्लोज होना भी मुश्किल है एक दो दिन,
तो ये आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई इतना बड़ा थ्योरी नहीं बतानी थी, हमारा सीधा सा हिसाब है, हमने एक पॉइंट आपको बता दिया निफ्टी का 18,960, ये ध्यान रखना है, इसके नीचे मार्केट और कमज़ोर होगा। कोई मीटिंग में कोई अच्छी बात आती है, ऊपर खुलता है, सेल करेंगे, ख़त्म कहानी। अभी आप देख रहे हो मार्केट में जो परसों खुला था, मार्केट इतना ऊपर 350 क्यों खुल गया है एकदम, कोई किसी बैंक के रिजल्ट भी नहीं थे इतने अच्छे, मतलब आए परसों के भाई उसकी वजह से खुलना चाहिए, या क्या था, ऐसा क्यों हो गया? तो ये सारी चीज़ है ना, हमारी जो समझ है उससे परे वाली चीज़ है। मैं आपको कुछ भी बोलूँ, आप मेरे को बोलो, लेकिन वो समझ से परे वाली चीज़ है, दूर है, और वहीं से मार्केट में लगातार सेलिंग भी आई, ठीक है। तो ऊपर के लेवल पर रुक नहीं पा रहा है मार्केट, जैसे ही ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है। अच्छा, जो कॉल राइटर पुट राइटर है वो अच्छा पैसा इसमें कमा रहे हैं, दोनों साइड सेल कर दो, 50 रुपये 60 रुपये फिक्स मिल जाएंगे, पर उनको पेशेंस है, वो जब भी पैसा कमा रहे हैं, हम लोगों में पेशेंस नहीं। जो 20 बार ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, उनमें पेशेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और कोई बात नहीं, चलो अभी बात करते हैं राशिफल की। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, और मैं आपको राशिफल बता देता हूँ 2 नवंबर का क्या रह सकता है। तो कल के लिए जो 2 राशि हैं वो कमजोर, मेष और सिंह राशि है, इनका एक एक पॉइंट है, बाकी राशि ठीक है। वृषभ राशि 3.5 पॉइंट है, मिथुन के 4 पॉइंट हैं, कर्क राशि के 3.5 पॉइंट हैं, सिंह राशि का 1 है, कन्या राशि के 5 पॉइंट हैं, तुला राशि के 4.5 हैं, वृश्चिक के 4 हैं, धनु के 4 हैं, और मकर राशि 3.5 है, और कुंभ राशि के 3 और मीन राशि के 3.5, ठीक है। तो बाकी राशि तकरीबन ठीक है, 2 राशि कमज़ोर है। तो बस इतनी सी बात थी, ज़्यादा लंबा वीडियो को करेंगे नहीं। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस और रह सकती है एक आधे, क्यों जो देखने से पूरे डाटा वगैरह जो हम देखते हैं उसके हिसाब से मेरे को कमज़ोर लग रहा है, ठीक है। कोई बाउंस या कोई ऐसा बनेगा तो बताएंगे, कल कोई ऐसा टाइमिंग भी नहीं है कि जिसमें ये रहे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्राइडे को एक टाइमिंग है, वो बात करेंगे फिर कल, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।